मध्य प्रदेश में अश्लील सीडी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कमलनाथ ने ये दावा किया था कि अश्लील सीडी उन्होंने भी देखी है। प्रदेश की छवि खराब ना हो इसलिए इसे जनता के सामने नहीं लाना चाहते हैं। कमलनाथ के इस बयान के बाद बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि हनी ट्रैप की जाँच कर रही एजेंसियों से कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में उनके यह बयान घोर निंदनीय है। अगर उनके पास ऐसे तथ्य हैं तो उन्हें उनको न्यायालय या जांच एजेंसी को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी दल या व्यक्ति को बदनाम करने का अधिकार आपको नहीं है और यदि ऐसा नहीं है तो आपको सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य राजनीति का और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व इतना नीचे गिर सकता है ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कि इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदन में नेता प्रतिपक्ष दोनों से मैं गंभीरता से अनुरोध करना चाहता हूं, इतना निचले स्तर पर उतर कर आप बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो केस, जो घटनाक्रम अंडर सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जिस हनी ट्रैप की बात हो रही है वो कोर्ट के अंडर ज्यूरिडिक्शन में है। मेरा प्रश्न है कमलनाथ जी से, मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष से, आप जिम्मेदारी पर हैं। कमलनाथ जी भी संवैधानिक पद पर रहे और गोविंद सिंह जी भी आज संवैधानिक पद पर हैं। कोई केस अगर अंडर सब जुडिशियस मैटर है तो उस साक्ष्य को आपने कैसे देखा?